और पेट्रोल स्कूटर अपने लिए बेस्ट, क्योंकि अभी ऐसा गाइस मुझे जाना है 150 किलोमीटर प्लस बाहर का। अब आप मुझे बताइए मैं ओला S1 से जा सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं जा सकता हूँ बेटे। 200 रुपए लगेंगे यार, 200 रुपए लूंगा मैं वॉशिंग के गाइस। इसको डिस्पैट का साउंड आता है ना गाइस, ज्यादा अगर आता है बस सिंपली ये प्रेशर इस पे डाल दीजिए। इसी वजह से मैंने ब्लैक लिया था गाइस, ताकि मेरे ओला के साथ में कॉम्बिनेशन इसका अच्छा बैठ जाए। और इसके लिए जो प्रेशर है ओला के लिए ये बहुत बेस्ट है गाइस। और इस गाड़ी को भी मैंने 40,000 किलोमीटर चलाया, तो ये है गाइस FZ250। और ये भी जो कि डोमिनर है, पूरी डस्ट है गाड़ी पे, आप देख सकते हो। वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज अनुज और आप देख रहे हैं अनुज चांडक व्लॉग। तो गाइस आज मैं मेरी ओला S1 को धोने वाला हूँ, और कार को तो मैं वॉश कर ही रहा था, साथ ही मैं सोचा इसको भी धो लूँ। और जो मेरी पुरानी FZ खड़ी है गाइस 250, मैं उसको भी आज निकालने वाला हूँ। मैं उसकी कंडीशन आपको एक मिनट बता देता हूँ। आप देख सकते हो गाइस, जब से ओला इलेक्ट्रिक मैंने ली है ना, जब से इस गाड़ी को मैंने हाथ तक नहीं लगाया, आप देख सकते हो उसका पूरा ऑयल नीचे लीक हो चुका है और बहुत ज़्यादा गाड़ी गंदी हो चुकी है। इवन जब से इलेक्ट्रिक स्कूटर मेरी आई है, मैंने इसको हाथ भी नहीं लगाया, गाड़ी की पूरी हवा जा चुकी है गाइस। और आप देख सकते हो उसके ऊपर कितनी ज़्यादा डस्ट है। तो अभी इसको पूरा क्लीनिंग करवाएंगे हम। आप देख सकते हो ये मेरी गाड़ी है, ये कन्फर्म हो जाएगा, इस पर मेरा साइन है, जैसा कि हमारे ओला पे भी है मेरा साइन। और आप देख सकते हो इसका पूरा ऑयल यहाँ से पूरा लीक हो रहा है। तो ये है गाइस FZ250 जो मेरी मैं ओन करता हूँ। और ओला इलेक्ट्रिक के पहले मेरे पास यही बाइक थी जो ज़्यादा पीती थी, तो मैंने EV ली है। मतलब ऐसा नहीं है, इसके कंपैरिजन में मैंने एक EV भी साथ में रखी है। तो आप देख सकते हो इसको आज अपन बाहर निकालेंगे और पूरी फिट एंड फाइन और ओके करके लाएंगे। ये गाड़ी मेरी बहुत फेवरेट है गाइस। और ये FZ250 गाइस, इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस वगैरह भी हम कभी देखेंगे। तो मैं आपको बस इतना बता रहा था कि जो ओवरऑल मेरी गाड़ी ओला इलेक्ट्रिक के बाद में, मैंने इसको अभी तक निकाला नहीं है, तो आप कंडीशन देख लीजिए, कुछ भी नहीं दिख रहा है, पूरी डस्ट है गाड़ी पे, आप देख सकते हो है, टोटल डस्ट है गाड़ी पे। तो मैं आपको यही बता रहा था कि इसकी कंडीशन EV आने के बाद देख सकते हो। और ये भी मेरे बड़े भैया की गाड़ी है जो कि डोमिनर है, इसको पूरा क्लीन करवाएंगे और आज ओके करेंगे गाड़ी को, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मतलब हम मैकेनिक के पास में ले जाके इसको डलवा देंगे। और साथ ही साथ में मैंने अभी अपनी जो कार है इसको भी वॉश किया है। ये हमारा नीचे का पार्किंग एरिया है गाइस, तो ये भी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, बहुत ज़्यादा, मैंने इसको जस्ट अभी थोड़ा वॉश किया है, तो सोचा अपने ओला को भी वॉश कर लूँ। ओके, तो ये हो चुकी है एकदम क्लीन टकाटक। आप बताना गाइस कैसी लगती है आपको वरना गाड़ी। और अब है अपना ओला का नंबर। तो अभी अगर हम देखें गाइस, तो बहुत ज़्यादा ये भी गंदी हो चुकी है, कल जब होली थी तो इस पर थोड़ा कलर वगैरह आपको दिख तो नहीं पाएगा, लेकिन गाड़ी का इस पर बहुत ज़्यादा डस्ट आ गया, आप देख सकते हो। ओके, बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है गाड़ी। ये कलर ना वीडियो में ज़्यादा गंदा नहीं दिखता है गाइस, वैसे अभी सामने थोड़ा दिखेगा आपको, ये देख लीजिए आप। कल थोड़ी इधर बारिश भी हो रही थी तो गाड़ी गंदी हो चुकी थी। तो एक वो खड़ी है हमारी FZ जो अभी थोड़ी दूर है, उसको मैं यहाँ लेके आऊँगा, उसको भी वॉश करेंगे और इसको भी वॉश करेंगे। ओके, सो लेट स्टार्ट। देख सकते हो गाइस गाड़ी कितनी गंदी है, अभी मैंने जब इसको इधर लेके आया ना, बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है। आप देखिए अभी इसका क्लीनिंग होते हुए देखिए। तो गाइस एक्चुअली मैं ऐसा केयरलेस काम कभी नहीं करता हूँ, बट एक्चुअली हुआ क्या, इतने में मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। ये स्कूटर जब से आया है तो इससे इतना ज़्यादा प्यार हो चुका है, क्योंकि ऐसी जो राइडिंग है गाइस वो अभी अदर स्कूटर में हमको नहीं मिल सकती है। तो जब से EV मैं चला रहा हूँ तो मुझे इसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है, तो इस बाइक को थोड़ा सा कम चलाने में आ रहा है अब जब से EV आई है। तो प्लस पॉइंट तो आपको पता ही है, पेट्रोल भी सेव हो जाता है, देन उसके बाद में ये भी आ जाता है। तो मतलब ये दो गाड़ी मैं ऑन करता हूँ खुद, और एक मेरी जो वरना है। तो आप देख सकते हो गाड़ी बहुत ज़्यादा अभी अच्छी लगेगी, क्योंकि ये गाड़ी का कलर जो है गाइस बहुत अच्छा है। और इस गाड़ी को भी मैंने 40,000 किलोमीटर चलाया है, हो सके तो इसका भी रिव्यू कभी एक आध दिन मैं अपने चैनल पर ज़रूर लाऊंगा। और आप देख सकते हो ओला को भी वॉश करना टाइम आ चुका है, और इसके लिए जो प्रेशर है ओला के लिए ये बहुत बेस्ट है गाइस। ओके, तो अभी अपन इसको पूरा क्लीनिंग कर लेते हैं, थोड़ा इस पर पानी डाल देते हैं ताकि थोड़ी जो मिट्टी है ये नरम हो जाए, ताकि जब हम इसे रब करें तो हमारे ब्लैक कलर को स्क्रैच और रब ना करे। जैसा कि मेरी जो गाड़ी है कार वो भी ब्लैक कलर है, तो मुझे इसकी आदत है ब्लैक कैसा मेंटेन किया जाता है। इसी वजह से मैंने ब्लैक लिया था गाइस, ताकि मेरे ओला के साथ में कॉम्बिनेशन इसका अच्छा बैठ जाए। ओके, आप देख सकते हो जिसको डिस्पैट का साउंड आता है ना गाइस, ज़्यादा अगर आता है बस सिंपली ये प्रेशर इस पर डाल दीजिए, आपको पूरा इसमें जैसे अगर डस्ट क्लीन हो गया ना, तो आपको इसकी जो नॉइस आती है वो कम हो जाएगी। बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी गाड़ी, और वॉश की ही थी मैंने गाइस। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये देखो इसका इशू क्या है ना, यहाँ पानी एक साइड में जमा रह जाता है, अब अगर मेन स्टैंड होता तो ये जमा नहीं होता। आज पूरा गैरेज खोल लिया गाइस हमने, अब बेटे 200 रुपये लगेंगे यार, 200 लूंगा मैं वॉशिंग के गाइस, सीधी सीधी बात है। बाहर कितने रुपये लेते हैं, मैं 100 रुपीज़ भी अगर लूँ तो बढ़िया है ना गाइस। मेरा क्या बोलना है, ओला के लिए इतना प्रेशर आपको नॉब वगैरह यूज़ नहीं करना है, ये सिंपल प्रेशर इसको सूटेबल है। अगर आपको और जो MTU मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया, वहाँ पे ये प्रेशर आप इजीली मार सकोगे,
इसको हाई प्रेशर नहीं चाहिए, सिंपल सी बात। और टायर के जो ग्रिप्स है इसको भी क्लीन करिए, नहीं तो आपके जो टायर है ना ये ड्राई दिखते हैं इस गाड़ी के साथ में। ओके, तो साथी के साथ में मेरा ये बोलना है, इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ आपको पेट्रोल बाइक की जरूरत इसलिए की रहेगी क्योंकि अभी जैसा गाइस मुझे जाना है 150 किलोमीटर प्लस बाहर गाँव। अब आप मुझे बताइए मैं ओला एफ1 से जा सकता हूँ क्या? बिल्कुल भी नहीं जा सकता हूँ, और ऊपर से धूप है और मुझे एक दो बार गाड़ी को चार्ज करना होगा और इतना टाइम में नहीं दे पाऊँगा। तो अब मेरा इशू देखिए, आज जब मुझे 150 किलोमीटर जाना है तो मैंने मेरे गाड़ी को फिर से याद किया और इसको पूरा हम ठीक कर लेंगे और देन फिर पेट्रोल स्कूटर से हम आराम से बेफिक्र जा सकते हैं। तो मेरा ये बोलना है कि आपको इसको पूरा गाड़ी जैसे ही देखना है, बट ये सिटी पर्पस के लिए है, मतलब आप वॉश कर रहे हो, पूरा एंजॉय करो, सिटी में घूमना है बस, बाहर गाँव के लिए नहीं है। तो ओवरऑल मेरा छोटा सा ही ब्लॉग बनाने का यही था मोटो आपको बताने का कि आपको जो ओला इलेक्ट्रिक या कोई भी इलेक्ट्रिक कंपनी की और भी जो अगर आप गाड़ी ले रहे हो तो बाइक या स्कूटर रखना बहुत ज़रूरी है अगर आपको अनइवन थोड़ा बाहर गाँव जाना है तो, या अगर आपके पास में कार है तो फिर तो बहुत ही बेस्ट ऑप्शन, फिर आप एक कार और एक इलेक्ट्रिक व्हीकल रख सकते हो। बट कार हर जगह पे आप नहीं ले जा सकते हो, तो अगर आपके पास है तो आप सेल मत कीजिए, इसके साथ में इलेक्ट्रिक बाइक लीजिए, या तो फिर लीजिए ही मत, थोड़े दिन रुक जाइए जब तक ये गाड़ियाँ और अपडेट हो जाती है, जब तक पेट्रोल स्कूटर अपने लिए बेस्ट है। तो ओके, तो उम्मीद है गाइस छोटा सा एक जो हमने ऐसे हमारा फैमिली वीडियो या ब्लॉग टाइप बनाया तो आपको पसंद आया, तो अपनी गाड़ियाँ क्लीन कर लीजिए क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल है, कलर वगैरह अगर कहीं डिस्प्ले वगैरह के या अपने चार्जिंग सॉकेट में गया तो इशू कर सकता है। ओके, तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। इस गाड़ी को अब मैं गैरेज पे लेके जाने वाला हूँ और इसका फिर कभी ब्लॉग बनाएंगे, आज ये क्लीन हो चुकी है, इसका ऑयलिंग वगैरह और हवा वगैरह हम टाइट कर लेंगे, देन उसके बाद में कभी हम अपने गाड़ी को नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।